वाह विश्वनाथ का परचम लेकर के सकल ब्रह्मांड में अपनी कविता से हसाने का काम करता है, उसका नाम होता है डॉक्टर अनिल चौबे साहब। तालियां बहुत कमजोर है आपकी। हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, हम इंग्लैंड गए भारत सरकार की तरफ से, तो वहां क्या किया कि 40 अंग्रेज मिला के आगे बैठा दिए, कहे पंडित जी इनको सुनाइए, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, और जो सामने बैठे थे उनको हिंदी नहीं आ रही थी। हमने 45 मिनट नॉनस्टॉप संस्कृत में कविताएं सुनाई और वो 45ों बेहोश हो गए। फिर वहां के सरकार ने पूछा कि क्या है ये, क्या है? मैंने कहा ये जालिया वाला बाग जो था उसका बदला है कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगे। कि ताल मदिरा के हैं ये मादक नयन दोनों, मदहोश करके डुबा के मार डालेंगे। और अधर सुघर रूप राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगे। राशि में जो उलझे तो सारी जिंदगानी उलझा के मार डालेंगे। कि डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डिजिटल युग की ये प्रेमिकाएं हैं जो बस हाय मेरी जानू बतला के मार डालेंगी। और 8-10 लोगों से तो चैटिंग करेंगी और सारी रात तुमको जगा के मार। डॉक्टर साहब अरे वाह जिंदाबाद, आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। पंडित जी का नंबर बाबी भी आता है। पंडित पहले कैसा देखिए, आज इतना बढ़िया आपका, मतलब अपने लोग हैं हमारे, हम गांव के रहने वाले बहुत साधारण से घर से आए। हाँ तो सर हम भी मतलब हम तो एकदम उस गांव के हैं कि जहाँ 1985 के पहले तक बिजली नहीं गई थी। और हम आप बात न कीजिए, हम पंडित हैं, बेवकूफ नहीं है। हाँ आप प्रयागराज, आप सुनिए, आपका काम है सुनना, आपने पैसे दिए हमको बोलने के लिए, तो हम बोलेंगे आप सुनेंगे, आप समापन करेंगे आके। हाँ हम आपको लास्ट में सुनेंगे, अभी आप बीच में बोल देंगे हमारा मंत्र इधर उधर हो जाएगा, फिर आपको जो अन्यथा लगेगा आप सुनिए। सर 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 आप हमारे मुंह पर मत जाइए, आप जो खूबसूरती में उलझे हुए हैं, पैदा हुआ था तो मैं भी बहुत खूबसूरत था, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से मुंह रखना पड़ता है। मनहूस की तरह से न रखो, आप न छेड़िए। सर सर मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे मत डिस्टर्ब कीजिए, मैं इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा कवि हूँ। आप सुनिए, मैं आपका आदर सम्मान सुनाता हूँ, आप बीच में बोलेंगे हमारा दूसरी कविता लग जाएगी, फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या सुना दिया। हम गलती से बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ मैं डॉक्टर और फिलोसफर हूँ, गंभीर कविताएं लग जाएंगे, आप सुनिए। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गरियाते थे, कोई भी सामने से गुजर जाए तो गरियाने लगे। एक दिन बुला के कहे कि बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब समझिए जिनने पूरे जिंदगी भर गांव के लोगों को गाली दी, अब हम क्या करें कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे हैं। पिताजी के मरने के बाद हम दो भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पर बैठते हैं, जो भी गुजरता है उसको दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे तो इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते थे। अरे वाह, आपको मैं धार्मिक रचना सुनाता हूँ, आपको आनंद आएगा। 85 बरस के जब दादाजी हो गए तो यमराज का मिस काल आया कि आपका कार्यकाल पूरा हो गया, चलिए। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मृत्यु सामने बैठी हो लेकिन आनंद उत्सव त्यागता नहीं है। आप छंद सुनिए, आनंद लीजिएगा। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं,
और बाकी बचे जीवन को भोले के शरण जाके राम राम जप के गवाना चाहता हूँ मैं कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा ना बिताना चाहता हूँ मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहे। हाय 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 डॉक्टर साहब आज जिंदा हूँ। अरे हम आपको इसे धार्मिक सुनाएंगे। अरे वाह एक चंदर सुनिए आप चुकी सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल वो हम आप एकदम आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे जैसे ऐसे लगे आपके प्राण निकल गए हो और आप हाँ मूर्ति की तरह बैठे बिल्कुल बहुत अच्छा। एक चंद और सुनिए हम हमारे अब हमारी आदत है ना कि कोई उठ के खड़ा हो जाए कोई जाने लगे तो हम किसी को बैठने को बोलते नहीं। हमारे खानदान में बैठाने का काम गया जी ले जाके किया जाता है, जिसको ले जाके बैठा दिए फिर उसको भगवान भी उठा नहीं पाए तो हम उनको वहीं बैठाते हैं। स्वागत है भैया। आपको मृत्यु से हाथ सुनाता हूँ, मैं अपने तरह का इकलौता कवि हूँ, आप जैसे जहाँ से जिस तरह का सुनना चाहेंगे मैं उस तरह का सब सुना सकता हूँ। क्या बहुत ज्ञान की भी बातें सुना। लंदन में एक ने पूछा कि पंडित इधर आओ, राम भारत में क्यों पैदा होते हैं, कृष्ण भारत में क्यों आते हैं, सारे देवी देवता का ठेका तुम ही लिए हो, तुम्हारे ही आते हैं। ज्ञान की बात सुनिए, क्या तुम्हारे यहाँ कोई मिलने आता है तो कहाँ मिलता है, या तुम किससे मिलते हो, कहा हम अपने ड्राइंग रूम में मिलते हैं, ड्राइंग रूम में क्यों मिलते हो, कहा उससे सुंदर जगह हमारे पास नहीं है जहाँ वीआईपी गेस्ट को बैठाए। हमने कहा बेटा जैसे तुम अपने किसी प्रिय से वीआईपी गेस्ट ड्राइंग रूम में मिलते हो वैसे विश्व का ड्राइंग रूम है भारत। और अरे आप साधारण लोग नहीं है। और मैं कभी किसी व्यक्ति को सामने सुनने वाले को साधारण मान के सुनाता ही नहीं हूँ, आप तो मैं हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहा हूँ, आप मुझे ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। कोई ऐसे विश्व की संस्कृति नहीं है जहाँ किसी गिद्ध ने एक नारी की रक्षा के लिए किसी आतताई से युद्ध किया हो, ये केवल भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ लिखा है, हमारे सनातन संस्कृति में लिखित है कि गिद्ध भी नारी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध कर देता है। वाह, पुल बनाने का संस्कृति इतिहास सबसे पहले हमारे पास है। नल नील की सहायता से राम सेतु बना, इसके पहले किसी ने पुल नहीं बनाया। और जो राम की बात करते हैं मैं आपको चार पंक्तियां। स्वागत है भैया, स्वागत है बहुत। कि नारी की रक्षा को युद्ध विगिद्ध जहानी जो शक्ति यथा करते, नारी की शक्ति को नारी की रक्षा को गिद्ध भी युद्ध जहानी जो शक्ति यथा करते हैं, और सेतु बना कर के नल नील शुरू जहाँ से तू प्रथा करते हैं, कि औषधिला औषधिला हनुमान जहाँ रघुवीर की दूर व्यथा करते हैं, धन्य है भारत देश जहाँ पर काग भी राम कथा करते हैं। आप हमको गंभीर करेंगे तो हम बहुत गंभीर सुनाने लगेंगे, आप आनंद वाला सुनिए जी। तो मृत्यु से हमारे यहाँ लिखा है मंगलम मरणम यत्र, जहाँ का मृत्यु भी मंगलदायी है। हम बात करेंगे मृत्यु की और आपको हंसी आएगी, ये चमत्कार देखिए। टेलीविजन 85 के बाद हमारे गांव में खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठे, आप प्रयोग देखिए आनंद लीजिएगा, हमारे शब्दों से जुड़िएगा आपको बहुत आनंद आएगा। हम कभी कल्पना नहीं कर पाए थे जब कोरोना काल से हमारा देश गुजर रहा था तो हम सोच नहीं पाए थे कि हम माइक पर कविता सुनाएंगे और आप जैसे प्रबुद्ध लोग कविता सुनेंगे, या ये कल्पना से बाहर की चीज थी कि आप हमें मिलेंगे रात को हम कविता सुनाएंगे आप ताली बजाएंगे आप हमें पैसे देंगे,
सम्मान करेंगे, ये कल्पना से अलग कर। और आप तो मतलब एक सभ्य परिसर में हैं और अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे कवि जिनको 365 दिन में 300 दिन बाहर खाने की आदत है, वो एक ही पत्नी का मुंह देखते देखते अपने घर में ऊब गए थे, गलती से भी नहीं कह सकते थे, गलती से भी नहीं कह सकते थे कुछ कर रहे का नहीं, पीछे कुछ कर रहे। हाँ मैं क्या कह रहा था, गलती से भी दूसरी पर गलती से सर गलती से भी मुंह में निकल जाए, मुंह से निकल जाए घर में कि आप बाहर जा नहीं सकते, कोई सब्जी ला नहीं सकते, बाभन आदमी दूसरे के खाने की आदत, कभी सम्मेलनों में भी जिसके यहाँ जाइए सब बढ़िया बढ़िया टिकाते हैं, बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, अब घर कौन खाए, और कोरोना में बाहर जा नहीं सकते, एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, क्या खाना बनाई हो सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आया, उसने तुरंत लगाया क्वारंटीन सेंटर, कहा हमारे पति का स्वाद चला गया। एक लाइन अब बताइए, अब आए से तुरंत पकड़ के ले गए, चलिए कभी जी कि अब वहां जाने के बाद समस्या, ये विवाह सिंह जी हैं, इन्हीं की तरफ से एक सफेद वस्त्र में खूबसूरत आई नर्स, कही पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, आप हंस रहे हैं, ये बहुत बड़ा कष्ट का विषय है, जिसको किसी ने फूटी आंख तक न देखा हो उसको लोग कितने लोग के संपर्क में आए, आए संपर्क में, अब कवि का कवित्व देखिएगा और प्रतिभा देखिएगा, हमने कहा आए संपर्क में, बीबी के संपर्क में आए हैं, साले के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क, पूरे ससुराल के संपर्क में आए हैं, 14 दिन तक पूरे ससुराल पक्ष को एक ही कक्ष में क्वारंटीन करा के रखने वाले का नाम है। आप छंद सुनिए मृत्यु वाला सुना, हमको आप आगे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कीजिएगा तो हमारा पता नहीं कौन सा छंद सुनाने लगे, इसलिए थोड़ी देर हमारे ध्यान से जुड़ जाइए, आपको बहुत बहुत आदर के साथ सुनाते हैं। टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठे, हम मृत्यु की बात करेंगे आपको हंसी आएगी कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, बैठने और पसरने में अंतर, बाकी लोग जैसे बैठे उसको बैठना बोलते हैं, आदरणीय प्रयागराज जी जैसे बैठे इसको पसरना बोलते हैं, पूरा ये आप हमारे शब्दों से जुड़े आपको आनंद आएगा कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी, और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी, कि वसन विहीन तन तरुणी का देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी, टीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए। अरे बाप, ये हमारे भैया देखिए, ये हमारे संचालक जी बड़े भाई लाफ्टर चैंपियन करें, वाह वाह बहुत अच्छे, हम माइक से कह रहे हैं गुजर गए बाबूजी, ये कह रहे हैं वाह वाह बहुत अच्छे, ये क्या मतलब, हम मरने की बात कर रहे हैं, वाह वाह बहुत अच्छे, नहीं जिस तरीके से गुजरे, मतलब आपकी इच्छा है कि आपके बाबूजी भी इसी तरीके से गुजरे, ये देखिए मृत्यु भी आए आनंद से। एक और छंद सुनाते हैं आप, क्योंकि अब आप खूब बढ़िया सुनते, हमारा मन बन गया, इस तरह का लोग सुनते नहीं, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, कई हजार भीड़ हो ना हो, सब इच्छा पूर्ण हो चुकी, कोई मतलब इच्छा रह नहीं गई, अब एक आदमी भी सुन ले बढ़िया से, हम चेहरा देख के बता देंगे कि आप सुन रहे हैं, हमेशा सकारात्मक रखिए, जिस दिन कभी सम्मेलन नहीं होता कोई नहीं होता है उस दिन हम घर में काव्य पाठ कर लेते हैं और हम आनंद मना लेते हैं कि आज भी कहीं, और आप भी सकारात्मक सोचिए, किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो हमेशा सोच सकारात्मक रखिए, सौंदर्य बोध नाले में भी है, बस दृष्टि सुअर की चाहिए, वहां भी आनंद पड़ा हुआ, हम विदेश गए थे पंडित बहुत पहले गए थे, हम केवल एक ही देश में 12 बार जाने का रिकॉर्ड है,
तो वो कहा खड़ा होकर कि पंडित जी शराब क्यों सुनाई। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहे हैं शराब क्यों सुनाई, हम कह शराब में नशा है, कह तुमको कैसे पता और न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म मारे आता है। अब एक आप प्रयोग देखिए, आप बहुत अच्छे लोग आनंद लीजिएगा, इस तरह की कविता आजकल लिखी नहीं जा रही। स्वागत है, आपको सुना रहे, प्रयोग देखिए और मजे लीजिएगा। हमेशा सकारात्मक दृष्टि, पहली बार अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिला, वही समस्या आई, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी, जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, कहा कि डॉक्टर चौबी Your file is very rich, but I am sorry, next time apply. हमको लगा हम गांव के आदमी की अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा, और बीच में वो कागज फंसा के हमको दे दिया, हम रखे, हम मुस्कुरा के जाने लगे, बड़ी उपलब्धि थी। उसको क्रोध आया कि हमने जिसका कैंसिल किया, सब यार रोते जाते हैं, इसका कैंसिल किया तो हंस क्यों रहा है, कह इधर इधर हमने तुम्हारा वीजा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। उनका ओहो ये मामला, मैंने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर है। अब आप बहुत छन सुनिए, आप बहुत अच्छे लोग, मन बना दिया हमारा, बहुत बहुत आभार आपका। एक सुंदर सी नायिका गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बहुत जग जाता है, पूरा गांव की प्रकृति नायिका का अनुगामी हो जाती है। सुनिए कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा। हमारे प्रयागराज जी किसी खूबसूरत चीज को देख के एक तक उसी को देखते रहे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब है जब पेड़ पौधे उसके अनुगामी हो जाए। सुनिए कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा, और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना, बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा। कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा, हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा, पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। अरे वाह 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 वाह, ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने। एक वीर रस से हाथ रच लिए जी, वीर रस से हाथ रच लगते कि हमारे अखबार में छपता है चाइना अपनी दृष्टि का, हम हमेशा आनंद में रहते हैं, परिस्थिति चाहे किस तरह से हो, बस एक ही कमी है भगवान ने मुंह अच्छा नहीं दिया, तो दादा हम खत्म कर देंगे, हमको कोई मुझे आप बताएं कोई दिक्कत नहीं, कुछ और दूसरे तरह का सुन, हम हर तरह का लिखे, बहुत हमारे एक ही काम है, इश्क से दुनिया बसी है जिंदगी आबाद है, जैसे आप काटेंगे इश्क से दुनिया बसी है जिंदगी आबाद है, ढाई अक्षर प्रेम का महाभाष्य है संवाद है सगी पत्नी अगर पूजा इबादत आस्था, प्रेमिका जैसी भी हो भगवान का प्रसाद है। अरे वाह डॉक्टर साहब, और वो सुनिए दो लाइन जो मतलब आज के नेट के इतिहास में सबसे ज्यादा चला, किसी कभी का नहीं चला, चाहे कभी पैसा कितना लेता हो, वो पंक्ति अभी आपको याद आ जाएगी, आप ही को समर्पित कर रहे हैं, आप देखिए मैं कितना खतरनाक कवि हूं, आपको आपको समर्पित कर रहा हूं। जी जी, 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। 24 घंटे आप जिसके इश्क में मसरूफ हैं, बस वो केवल आपकी है, इसका कोई प्रूफ है। प्यार करके प्रेमिका को भूल जाना त्याग है, प्रेमिका से ब्याह जो करता है वो बेवकूफ है। प्रेमिका से ब्याह जो करता है दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह, दिल पे डाका डालिए डकैत की तरह, लाठी लिए अड़ जाइए लठैत की तरह, संभावना हो दिल के साथ देह टूटेगी तो बिल बिला कर रोइए डकैत की तरह। देशभक्ति वाला चल सुनिए, आपको उसमें भी आनंद आएगा।
अखबारों में छपता है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आज के भौतिकवादी युग में आप किसी भी चीज को गंभीरता से सोच लीजिए तो आपको वहाँ हंसी आ जाएगी। अखबार वाले लिखते थे चाइना सिक्किम के प्रति, डोकलाम के प्रति अपनी दृष्टि गड़ाए हुए। आप सोचिए, जिस चाइना की खुद की आंख खुद नहीं दिखाई देती, इतनी छोटी छोटी आंख, वो डोकलाम और सिक्किम के प्रति क्या गड़ाया होगा। चाइना उसका नेशनल बीर जो है उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई चाइना का में बीर पैदा ही नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का दिख जाए तो समझिए हमारे उत्तर प्रदेश के ऋषि महर्षि तीर्थ यात्रा पे चाइना गए होंगे। कोई उत्तर का नहीं हो सकता, कोई गया होगा। अब एक प्रयोग हम आपको सुनाते हैं, शब्द बिल्कुल निरर्थक है, इन शब्दों का हिंदी साहित्य में कोई मतलब नहीं है। देखिए, लेना तो नहीं चाहिए लेकिन अब ये पंडित जी हैं तो ले ले रहे हैं आपके नाम से। अरे वाह, आपके नाम से कथा कह देंगे काशी। ऐसे ही स्कॉटलैंड में कुछ लोग आए, गए पंडित जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुनिए। बाकी लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो दिल्ली से बंबई से तमाम जगह से जो लोग आए हैं वो उनको सुनेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये दोबारा आपको मिलेंगे या न मिलेंगे, लेकिन काशी जब भी आप घाट किनारे आइएगा हम हमेशा आपको वहाँ मिलेंगे, इसलिए हमारे पुण्य की प्राप्ति है। आपको जन सुन लीजिए, आप कितना बढ़िया, इतनी रात को कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता। आप सुनिए, सुन रहे इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको आनंद पूरा आएगा। सुनिए कि बटन सी आंख जैसी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरे, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, धाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। एक बात जीन पिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम, पिजिंग पिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। बाढ़ अच्छा टाइम बहुत हो गया, एक रचना आप कहें तो आपको और सुना दे धार्मिक। एक एक नहीं, बाकी लोगों को दिक्कत है, केवल आपको ना दिक्कत नहीं है, बाकी लोग को ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं एक धार्मिक रचना सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ आयोजन है। हम जब भारत से बाहर जाते हैं कहीं भी, आप भी गए होंगे, तो हमारी पहचान इससे नहीं होती कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं। वहाँ लोग हमको ये जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ राम है, जहाँ कृष्ण है। हमको किसी प्रांत या जाति से नहीं जाना जाता है। मेरा घर गंगा के किनारे है और तमाम सरकार की तमाम योजनाएं, स्वच्छ गंगा अभियान, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, तमाम चीजें आई, लेकिन गंगा आज भी जस की तस वही है। गंगा यदि अपना दर्द कहती तो क्या कहती, एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना आपको सुना रहा। अक्सर मैं आजकल इसको सुना नहीं रहा, लेकिन आप इतने अच्छे लोग हैं कि हमारा मन बन गया। आप सुनिए कि धार्मिक विषय को भी यदि कविता का विषय बनाया जाए तो उसको कैसे कहा जा सकता है, आपके हृदय तक उतरा जा सकता है। प्रयोग देखिएगा, आनंद लीजिएगा, हमारी माँ गंगा से बातचीत है। सुनील भैया ये सुने, आप शायद नहीं सुने होंगे। जी स्वागत है, स्वागत है। विष्णु के चरण ब्रह्मा के कमंडल, शिव की जटाओं से गोमुख होते हुए भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी उच्छल अविरल निर्मल कलकल प्रतिपल। रास्ते में पड़ने वाले सारे पड़ावों से मुंह मोड़कर मैं आ गई उमा जैसी सहेली को छोड़कर। भगीरथ ने अपने निजी स्वार्थ में मुझे भूपे उतारा था,
मैंने निस्वार्थ भाव से सगर के 60,000 उन्मत्त संतानों को तारा था, तभी से तारणी का दंश अब तक सह रही हूँ। मैं गंगा हूँ, अनवरत बह रही हूँ। सुनिएगा कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति गाने वालों, मेरे जल से झूठी कस्मे खाने वालों, उल्टी पुल्टी गंगा रोज बहाने वालों, मेरे नाम पे खाने और कमाने वालों, सुन लो, मैंने तीज त्योहार धर्म संस्कार संस्कृति सभ्यता सब कुछ अपने तटों पे एक जगह जोड़ा है, और तुमने जगह जगह बात बना के हमारी गति को मोड़ा है। तुमने इतने पाप धोए हैं कि हमें आचमन लायक भी नहीं छोड़ा है। वाह! और आप सभी को प्रबुद्ध मानकर पौराणिक मिथकों से दो पंक्तियां कहता हूँ कि ऋषि पराशर की प्यासी कथा हो या कुंवारी कुंती का रहस्य, मैं सब कुछ चुपचाप अपने पेट में बचा जाती हूँ। लेकिन जब भी कोई श्रद्धा से माँ कह के बुलाता है तो रैदास की कठौती में भी आ जाती वाह, जिंदाबाद। भी कोई माँ कह के बुलाता है तो रैदास की छोटी करता हूँ कविताओं को कि दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, दूध दही माखन मिश्री का अक्षय भंडार, यशोदा और देवकी का मिश्रित दुलार, यदि कन्हैया को कन्हैया बनाकर विश्व में पूजने के लिए मशहूर कर देता है, तो गंगा का पानीदार पानी जब बूढ़े भीष्म के रगों में दौड़ता है, तो योगेश्वर श्री कृष्ण को भी कुरुक्षेत्र में हथियार उठाने पर मजबूर कर देता है। वाह भैया, वाह 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 वाह। हम जैसे कवियों से माँ गंगा कहती है कि क्यों रे कवि, क्यों रे कवि, तू क्रांति दृष्टा है, तू युग सृष्टा है। हमने तुम्हारे बाप दादा टाइप के कवियों को देखा और सुना है जो प्रयाग ऋषिकेश हरिद्वार तक जाके माँ गंगा की प्रशंसा में लंबी लंबी रचनाएं सुनाते हैं, लेकिन कभी गंगा नहीं नहाते हैं। तू क्या कर लेगा, तू भी व्याज स्तुति की कल्पनाओं में खो जाएगा, अंत में मिनरल वाटर पी के सो जाएगा। इसलिए तू जाग, सबको जगा, तेरे पास शब्द है, मेरे पास वेदना है, शब्द नहीं है, जानकी नहीं, जहानवी हूँ मैं, तेरी वेदना से ये धरा फट भी गई, तो मैं इसमें समा नहीं सकती, मैं जब तारणी हूँ, जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जा नहीं सकती। वाह वाह वाह।